सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JMDI एकेडमी। आज हमारे साथ है अनुराग जैन। अनुराग कहाँ से हैं आप? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ग्रेट। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पापा डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव है टाटा मोटर्स। ओके, ग्रेट। और मदर? मदर हाउस वाइफ है। तो किसमें सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा तोलानी BSc एंड तोलानी DNS में शॉर्टलिस्ट हो चुका है। ग्रेट। तो फिर जब आपने पेरेंट्स को बताया कि मैं सिलेक्शन हो गया है, तो उनका कैसा फील हुआ? उनका क्या फीलिंग थी? बहुत प्राउड थे। एक्चुअली मैं एक्सेल ड्रॉपर हूँ, तो काफी साल वेट करी, अब होगा, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा। ओके। तो बहुत मैं खुश थे, सबको बताया, तो सबने फिर कांग्रेचुलेशंस किया। एक ऐसी चीज जो आपको पूरी एकेडमी में लगी हो यार, जिसने आपको सिलेक्शन होने में या कहीं भी सपोर्ट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करा हो? सर, एक चीज तो जैसे पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई। Okay. जैसे पहले जब मैं इंटरव्यू दिए थे पिछली बार, तो मैं उतने अच्छे से अपीयर नहीं कर पाया, उतने से बोल नहीं पाया। यहाँ पे आके लोग इंटरव्यू देते, देखा प्रणीत सर ने, मॉक टेस्ट लिए, पंकज सर ने लिए, तो उससे पर्सनालिटी डेवलप हुई, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हुई। इंग्लिश ग्रेट, ग्रेट। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही सब चीजें जो आपको आगे काम आती है इंटरव्यू में, वही मेन की है। ग्रेट, ग्रेट। तो सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? प्रणीत सर, प्रवीण सर, पंकज सर, उर्मिला मैम, किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? प्रणीत सर। प्रणीत सर, सब प्रणीत सर का नाम ले रहे हैं। डर नहीं है यार, डर जरूरी है, सिलेक्शन इसीलिए होता है। आज इसी कारण सिलेक्ट हो पाया। ये सारी चीजें होती हैं कि आप मेहनत इसीलिए करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आपको पता है यार, कोई बैठा है ऊपर जिसको सब कुछ देखना है, राइट? गुरु के बिना हम खेल सकते हैं मगर जीत नहीं सकते, ये लाइन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बड़ी सच है। बस ग्रेट। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलते हैं। आपकी ड्रीम शिपिंग कंपनी कौन सी है? डायनाकॉम शिपिंग। मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मर्चेंट नेवी एक्चुअली सर, कई सारे रीजन है सर, ये अर्ली स्टेज फाइनेंशियल स्टेबल कर सकती है मेरे को, ये इसका, ये थोड़ा मतलब हटके जॉब है मेरे को, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जॉब। आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए। ओके। पुरानी एकेडमी अच्छी लगती थी या नई वाली? नई वाली। नई वाली, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। ग्रेट, ग्रेट। किसी को एकेडमी रिकमेंड करना चाहोगे तो क्यों कराओगे? सही, अकेडमी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पे फोकस किया जाता है, नॉट इवन मतलब सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, पर्सनालिटी पे हो गया, हमारे डिसिप्लिन पे हो गया। जैसे हम अकेडमी में बिना जूते बाहर निकले, मतलब प्रॉब्लम को जैसे कॉलेज में होगा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यहाँ पे टॉप नॉच है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी मोटिवेटेड यार, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा अपने साथ। ग्रेट। एक तरफ पैसा, एक तरफ नेम फेम, क्या चूज करोगे? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम। ओके, थैंक यू सो मच अनुराग, इट वॉज ग्रेट।